लाखामंडल टेंपल। यह प्राचीन शिव मंदिर उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस प्राचीन मंदिर को देखने हम लोग अपनी मोटरसाइकिल पे चकराता से निकल पड़े। यह शिव मंदिर की दूरी चकराता से लगभग 61 किलोमीटर की है। लाखामंडल का सफर मैं और मेरे दोस्तों ने खूब मजे के साथ शुरू किया। अपनी मोटरसाइकिलों पे सवार ठंडी हवाओं और सर्दी की धूप का आनंद लेते पहाड़ों वाले इन रास्तों पर एक दूसरे को राइडिंग सिग्नल के इशारे करते तालमेल के साथ सफर को और भी मजेदार बनाते हुए मंदिर की ओर बढ़ते गए। इन सुंदर वादियों और घुमावदार मोड़ों पर राइड करने का अपना एक अलग ही मजा है। इस सफर को और भी खूबसूरत बनाता है दोस्तों का साथ। कुछ देर इन सुंदर वादियों वाले रास्तों की राइडिंग वीडियो का आनंद लीजिए। आगे के सफर की कहानी कुछ देर बाद जारी रखते हैं। स्थित ये छोटे छोटे घर काफी आकर्षक लगते हैं। रोड साइन की तरफ मेरा दोस्त इशारा करता हुआ लाखामंडल अब 30 किलोमीटर बचा है। यह देख सब खुशी से वादियों का आनंद लेते राइड करते गए। बच्चे हम लोगों की तरफ खुशी से देखते हाथ हिलाते और उधर गांव के लोग सर्दी की धूप का आनंद लेते अपनी छतों पे घरों के बाहर गप्पे मारते। जितना आगे बढ़ते जा रहे थे रास्ता उतना ही खराब होता जा रहा था। काफी किलोमीटर तक रोड ही टूटी पड़ी थी, मानो जैसे नौकीले पत्थरों पर बाइक चला रहे हों। ये टूटा रास्ता पूरा धूल से भरा था। जितना कठिन रास्ता उतने सुंदर नजारे। लाखामंडल प्रवेश द्वार पर रुककर हमने पैनोरामिक व्यू का आनंद लिया। लाखामंडल के बारे में जितना सुना था वैसे ही शांत गांव, हवा एकदम साफ और नजारे उतने ही सुंदर। ऊपर से ऐसा दिखता है लाखामंडल गांव। कुछ ऐसा हाल था बाइक और मेरा। धूल से भरा पर सफर बहुत ही शानदार रोमांच से भरा था। कुछ देर रुकने के बाद हम मंदिर की ओर बढ़ चले। बस थोड़ी सी दूरी रह गई थी मंदिर और हमारे बीच। मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। हमने ऊपर वाला रास्ता चुना। हमने अपनी मोटरसाइकिल को पार्क किया, फिर मंदिर की ओर दर्शन के लिए चल पड़े। यह प्राचीन शिव मंदिर, जिसे लाखामंडल के नाम से जानते हैं, यह मंदिर उतना ही सुंदर जितना सुना था। मंदिर के बारे में हमने ये जाना कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। लीजेंड्स के अनुसार
हिंदू महाकाव्य महाभारत में लाखामंडल वही स्थान है जहां दुर्योधन ने पांडवों को मोम से बने महल लाक्षागृह में उन्हें ठहराकर मारने की कोशिश की थी। लोगों का मानना है कि मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर जो ये दो मूर्तियां हैं वह अर्जुन और भीम या दानव और मानव या दो दरबानों की है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण ग्रेफाइट से बना शिवलिंग है। यह गीला होने पर चमकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान महादेव अपने दर पर आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। यहां पर आकर भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है।